ध्यानलिंग अद्वितीय है क्योंकि इसमें सातों आयाम अपने उच्चतम शिखर पर स्थापित हैं। एक तरह से अगर आप ध्यानलिंग को देखें, उसका ये मतलब है कि वो एक बैठे हुए जीवित व्यक्ति जैसा है जिसकी ऊर्जा अपने चरम पर है। अगर आप उसके परे जरा भी दबाव देते हैं तो वो अपना आकार खो देगा। किसी आकार को बनाए रखने के लिए आपको समझना होगा कि अगर आपकी ऊर्जाएं अपनी जीवंतता खो दें तो आप अपने शरीर को थाम कर नहीं रख सकते, आप शरीर छोड़ देंगे। इसी को वृद्धावस्था कहते हैं। बुढ़ापे में बस यही होता है कि आपकी ऊर्जाएं अपनी तीव्रता खो रही हैं। चाहे शरीर फिट हो, भौतिक शरीर बिल्कुल फिट हो, फिर भी आप देखेंगे इन दिनों बहुत कम लोग बुढ़ापे से मरते हैं। बस शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है और वो मर जाते हैं। वरना क्या आपने किसी को सिर्फ बुढ़ापे से मरते हुए देखा है? सब कुछ ठीक है, मगर वो धीरे धीरे घटते जाते हैं क्योंकि ऊर्जा ने अपनी तीव्रता खो दी है। अब वो शरीर को थाम कर नहीं रख सकती। इसी तरह जब ऊर्जा तीव्रता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाती है तब भी वो शरीर को थाम कर नहीं रख सकती। किसी आकार को कायम रखने के लिए आपकी ऊर्जा को तीव्रता की एक खास रेंज के भीतर होना चाहिए। उससे नीचे जाने पर वो नहीं थाम पाएगी, उससे ऊपर जाने पर वो थाम नहीं पाएगी। तो अगर आपने उससे अधिक दबाव डाला वो आकार कायम नहीं रख पाएगा। तो आकार को बनाए रखने के लिए उच्चतम स्तर क्या है? सातों चक्र आकार को बनाए रखने की क्षमता के अंदर चरम पर हैं, और ये लगभग एक बैठे हुए जीवित इंसान की तरह है, सर्वोच्च प्राणी। लिंगम के निर्माण का मकसद ये है कि हर किसी को अपनी साधना के लिए एक गुरु के नजदीक रहने का सौभाग्य मिल सके। Very few people get this opportunity that they can do their sadhana in the intimacy of a guru. बहुत कम लोगों को गुरु के सानिध्य में अपनी साधना करने का मौका मिलता है। अगर आप जरूरी कृपा के बगैर अपनी साधना करते हैं तो जो एक पल में हो सकता है उसमें आपको कई जन्म लग जाएंगे। ध्यानलिंग आपको यही संभावना प्रदान करता है कि लोग अपनी साधना एक जीवित गुरु के सानिध्य में कर सके, बिना किसी निर्देश के, बगैर किसी भौतिक उलझन के। इंसान बस एक गुरु की मौजूदगी में हो सकता है।